जेई और नीट की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा जो 5 जिला सरकार द्वारा चिन्हित है, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, रांची और जमशेदपुर, इन 5 जिला में जिला सह हम सारे लोग एक छात्रों की सुविधा के लिए ऐसे छात्र जो बाहर से आकर उन सेंटरों पे अपना एग्ज़ाम के लिए आएंगे उनकी सुविधा के लिए हम लोग एक आज आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाले हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने स्वयं इसको प्रोत्साहित करते हुए कि देश के और झारखंड के युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, एक हेल्पलाइन नंबर आज यहाँ से जारी होने वाला है। वो हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से छात्र उस अपने ज़िले में वाहन की व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग जो सेंटर तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, समय से सेंटर में पहुंचने के लिए उनके पास साधन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी क्या करता उनको सेंटर तक पहुंचाने की सारी व्यवस्था करेंगे। दूसरा, सेंटर के बाहर हर एक सेंटर के बाहर में एक हम सहायता केंद्र भी बनाने वाले हैं। हमारी के दरमियान बहुत लोगों के पास आवश्यक सामग्री का अभाव होता है, तो हम उसकी पूर्ति के लिए मास्क का वितरण, सैनिटाइजर की व्यवस्था क्या, और प्रायः हम सभी देखते हैं कि सारे छात्रों के साथ में उनके गार्जियन आते हैं, छात्र भी आते हैं, हमारी बहनें भी होती हैं, तो उनके चाय की व्यवस्था, बिस्किट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था भी भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रोवाइड कराने वाला है। ये सोच है कि शिक्षा में राजनीति और राजनीति में शिक्षा दोनों एक कारणाश्रय संबंध है, लेकिन जो वर्तमान राजनीति हो रहा है उसमें छात्रों के बीच में राजनीति की जा रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है, और इसे भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्यपूर्ण मानती है। और राजनीति में भी शिक्षित व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है, जो दुर्भाग्य से आज जो विपक्ष के लोग जिस प्रकार के छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दिभ्रमित करने का काम कर रहे हैं और छात्रों के भविष्य के साथ उनको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जहां पर एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली एकमात्र रचनात्मक काम करने पर भी विश्वास करती है। देखिए, छात्रों के भविष्य के साथ किसी को भी राजनीति करने का अधिकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस मंशा के साथ काम करती है कि हम समाज के हित के लिए काम करेंगे, और ये विषय जो नेट और जी का जो है, तो इस विषय में तय मुझे कहना है कि झारखंड के अंतर्गत भी कई विश्वविद्यालय हैं, कई स्कूल्स हैं, वहाँ पर एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ की गतिविधि अब शुरू कर रहे हैं कि नहीं है, और कई विश्वविद्यालय के तो डेट परीक्षा के जारी कर दी गए हैं। तो रांची, झारखंड के कई विश्वविद्यालयों के द्वारा परीक्षाओं की घोषणा हो रही है, लेकिन दूसरे तरफ जहां बेरोजगार लोग रोजगार पाने के लिए
नौकरी की तलाश में अपने परिवार और अपनी परवरिश करने के लिए परीक्षा देना चाह रहे हैं तो उसको रोकने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। देश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने योजना बनाया है और किनके लिए योजना बनाया है, जिनको अति आवश्यक है परीक्षार्थियों को जिन चीज़ों को उसको पूर्ति करने के लिए। इसलिए मैं युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ।